हाय व्यूअर्स, दिस इज माधव सन और हम स्क्रीन पे राइटिंग की क्लासेस को व्यूअर्स देख रहे हैं। और बहुत अब तक हमने जो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप प्लॉट स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उसके बारे में कुछ लेक्चर्स कर लिए, कुछ क्लासेस कर ली हैं। और चूंकि मैंने ये कहा था कि हम इसको धीरे लेकर चलेंगे, तो वी नीड सम टाइम कि ये चीज़ें जो हमें दूसरे तरीके से हम ग्रिप कर पाएँ, जैसे कि बाकी लोग नहीं बताते। तो हमने लास्ट लेक्चर में व्यूअर्स ये देखा था कि जब एक्ट वन ख़त्म होने लगता है, तो या जहाँ पे हम कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट आता है, उससे पहले एक इवेंट आता है जिसे हम कहते हैं कि वो डिस्टरबेंस है। और उस डिस्टरबेंस को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब उस डिस्टरबेंस से वो जो इवेंट है, जो कि आपके टर्निंग पॉइंट से पहले आ रहा है, जिसको हम डिस्टर्बेंस कह रहे हैं, वो बेसिकली पुश कर रहा है करेक्टर को टूवर्ड्स दी टर्निंग पॉइंट। और ये एक्ट वन का टर्निंग पॉइंट है, और इसको हम कहेंगे द डिलेमा। ये डिलेमा है कि जिसमें बेसिकली डिलेमा होता क्या व्यूअर्स, ये इसको हम आज देखेंगे आज के लेक्चर में। और इसके मतलब जो है डिक्शनरी में क्या मतलब है, और फिर हम इसको स्क्रीन प्ले में कैसे देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फिर अगर हम डिक्शनरी में देखें, तो डिलेमा बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें कोई भी शख्स, कोई भी कैरेक्टर जो है, वो उसको कोई चॉइस लेनी पड़ती है, आइदर दिस वे और आइदर दैट वे। और अगर आप बहुत सारी ग्रेट फिल्म्स देखें हॉलीवुड की, आप देखेंगे ये डिलेमा पेश किया जा रहा होता है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसको देखना। लेकिन व्यूअर्स, मैंने आपको ये पहले कहा था कि यू कैन गो राइटिंग स्क्रिप्ट, जो मैंने पहले आपको क्लासेस प्रेमिस लाइन के मुताबिक की, या आप स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें, जो कि इस पर भी मैं बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट की ले हैं। लेकिन बेस्ट आपके लिए ये है कि यू हैव बोथ, जो हमारा तरीका कहा रहा है, ये दोनों चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि ये मैंने सबसे पहले प्रेमिस लाइन डेवलप की थी। इस प्रेमिस लाइन को, क्योंकि प्रेमिस लाइन इज़ मोर अबाउट डेवलपमेंट, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रक्चर। जबकि हमारा जो एक्ट सिक्स हम पढ़े हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर पे है कि यार ये चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए, क्या ये वाला इवेंट आ गया है। और हमने प्रेमिस लाइन में वो 10-12 सीन्स का जिक्र किया था, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप एक स्क्रीन पर लिख रहे हैं, तो अगर आप गौर करें कि अगर आपके पास 12 सीन्स, आपके पास ऑलरेडी आपके प्रेमिस लाइन ने आपको डेवलप करके दे दी हैं, या सिनॉप्सिस ने आपको डेवलप करके दे दी हैं, तो आप ये समझें कि एक उसका स्पॉटिंग सीन आया, तो ये अबाउट 24-25 सीन्स तो आपके ये पड़े हैं जो कि आपके फिल्म में आने हैं। तो अगर आपकी एक फिल्म में 100 सीन्स हैं, या कुछ फिल्मों में थोड़े से कम भी हो सकते हैं, तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑफ द फिल्म आपके सिनॉप्सिस ने वो सीन्स आपको बनाकर दे दिए। कुछ सीन्स आपको डेफिनेटली स्ट्रक्चर से समझ आने शुरू हो जाएंगे, और इनको समझना ज़रूरी है कि कल को जब हम डायलॉग्स पे जाएंगे, तो हमें पता होगा कि हम डायलॉग, फिर आपको डायलॉग को भी समझने में ज़रा मदद मिलेगी। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। और फिर कुछ सीन्स डेफिनेटली आपने कैरेक्टर डेवलपमेंट के डालने हैं, जो कि मैंने कुछ क्लासेस की हैं, जिसको मैं कैरेक्टर आर्क में आप जाकर देख सकते हैं। उसके कुछ सीन्स वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई कैरेक्टर रिएक्शन करता है या रिस्पॉन्स करता है, तो वो भी आपके बेसिकली सीन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बनी बनाई फिर मिलनी शुरू हो जाएंगी, और आपको जस्ट जो है उनको ट्यून करके फिट करना है अपने स्क्रिप्ट में। और कुछ चीज़ें फिर आप जब लिख रहे होते हैं, तो आपके जहन में कुछ चीज़ें, कुछ सीन्स डेवलप होकर आने शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर आप लिख लेते हैं। तो ऑनेस्टली अगर मैं आपको ये बताऊँ कि 2-3 चीज़ें जो स्क्रिप्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो होती हैं कि आपके पहले 8-10 सीन, उसमें समटाइम्स या तो कोई बंदा बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसको समझ नहीं आती, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि 8-10 सीन आपको बिल्कुल जहन में आ रहे होते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में व्यूअर्स, आप अगर प्रेमिस लाइन को लेकर चलेंगे, तो सीन्स बड़े क्लियर आपके जहन में होंगे। तो ये एक बात जहन में आई थी। अब हम दोबारा आते हैं इस लेक्चर पे कि वो जो टर्निंग पॉइंट है, जिसको हम बेसिकली डिलेमा कह रहे हैं, वो जब डिस्टरबेंस, जो कि उससे पहले एक इवेंट आया है, वो उसने पुश किया है करेक्टर को उस डिलेमा की तरफ। अब यहाँ पर व्यूअर्स, करेक्टर को एक ऐसी सिचुएशन में
वो आ गया है कि जहां पर उसको एक डेफिनेट डिसीजन लेना है, दैट कुड बी ए लाइफ चेंजिंग डिसीजन। यहां पर बेसिकली उसको ऑफर क्या हो रहा है, उसको यहां पर ऑफर हो रहा है कि या तो वो अपनी पुरानी दुनिया में रहे, जिसको आप कहते हैं इन एक्शन की दुनिया में, जो उसका स्टेटस को है, या तो उसमें रहे, या वो एक रेडिकल स्टेप ले कि जिसमें वो एक नए वर्ल्ड में आ जाए। अब ये जो सीसा है कि भाई तुमने इसी जगह पे रहना है या तुमने अगली दुनिया में जाना है, इसको हम कहेंगे द डिलेमा, और दिस इज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर सिक्स एक्ट स्ट्रक्चर। बेसिकली जो डिलेमा है वो डेफिनेटली दो सिचुएशंस जो कि बेसिकली अनअट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, वो अनडिज़ायरेबल भी हैं करेक्टर के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं अल्टरनेटिव्स, अनडिज़ायरेबल अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। यहाँ पर करेक्टर ने बेसिकली एक डिसीजन लेना है। तो व्यूअर्स, करेक्टर डिसीजन किसके बारे में ले रहा है? अपनी इनिशियल सिचुएशन को छोड़ने की, यहाँ उसने छोड़ना है, ये अपनी इनिशियल सिचुएशन में हो रहे हैं, घर में बैठा रहे, यानी कि अब उसको एक डिसीजन लेना है। तो ये परप्लेक्सिंग सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट है। मैंने आपको पहले भी शायद एक किसी लेक्चर में कहा था कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि जब कोई करेक्टर अपनी जो है इनिशियल सिचुएशन को छोड़े, क्योंकि उसमें वो ज़िंदा है और उसमें वो एक रूटीन का काम कर रहा है, और अगर अब उसको जैसे समटाइम्स अगर आपको कोई दोस्त आके कहे कि आओ यार कि हम जो है पहाड़ों पे चलते हैं, पर्वत देखते हैं, तो आपकी एक रूटीन लाइफ है, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कहेंगे यार, मतलब अब हो सकता है कि एकदम ना उस पे माने, चूँकि उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन हो सकता है आपको लेना पड़े कि यार मैं उधर जाऊंगा, मुझे दो दिन की यहां पे छुट्टी लेनी पड़ेगी, एप्लीकेशन मुझे जमा करवानी पड़ेगी ऑफिस के अंदर, फिर मुझे जो है गाड़ी हायर करनी पड़ेगी, चूँकि अगर मैं पहाड़ों पर जाऊंगा तो वो गाड़ी भी जीप वाली होनी चाहिए, तो मुझे हायर करनी पड़ेगी, उसमें मुझे पैसे, तो यार छोड़ो रहने दो, मैं नहीं चाहता। इट मीन्स के जो भी करेक्टर होता है आपकी रियल लाइफ में भी, जब आपको डेली रूटीन लाइफ से हटकर कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो यूजुअली इट बिकम्स डिफिकल्ट। फिल्म में भी आपने अपने करेक्टर को यही सिचुएशन देनी है, और इसी सिचुएशन में ही हैज टू डिसाइड, द करेक्टर हैज टू डिसाइड, इट इज नॉट द राइटर हु हैज टू डिसाइड, इट इज द करेक्टर हु हैज टू डिसाइड। जब वो एक्ट वन में कोई डिसीजन ले लेगा अपनी इनिशियल सिचुएशन को छोड़ने के लिए, तो फिर वो एक अनफेमिलियर वर्ल्ड में चले जाएगा, जो कि मैंने आपसे एक्ट टू का जिक्र किया था, उस पर तो अभी बाद में आएंगे। ये आज का लेक्चर शायद थोड़ा लंबा हो जाए, इसमें अगर देखते हैं क्या क्या बातें हम करना चाह रहे हैं। तो व्यूअर्स, हंगर गेम्स में अगर आप देखें तो कैटनिस को क्या उस वक्त मसला दरपेश है, या वो कौन सी मतलब उसके पास क्या क्या डिलेमा है? डिलेमा इसको ये है कि आइदर एक चॉइस उसके पास ये है कि वो अपनी सिस्टर को जाने दे, वो उसकी मतलब वो जो है वो सिलेक्ट हो जाए हंगर गेम के लिए और उसको मरता हुआ देखे, और दूसरी चॉइस उसके पास ये है कि वो खुद चली जाए और खुद मरने के लिए तैयार हो जाए। अब देखा जाए तो ये दोनों सिचुएशन कोई प्लेजेंट सिचुएशंस नहीं है, इसीलिए जब आपने डिलेमा देना है किसी करेक्टर को तो आपने कोई दोनों तरफ प्लेजेंट सिचुएशंस नहीं देनी। यानी उधर उसकी अगर आप देखें तो सिस्टर मर सकती है और इधर ये खुद मर सकती है, इधर ज़्यादा बड़ा इसको खतरा है। लेकिन हमने अब यहाँ पर ही होता ना सीन्स आपने कैसे डेवलप करने के, यहाँ पर जब वो चॉइस लेती है कि मैंने अपने सिस्टर की जगह खुद सेलेक्ट होना है और मैंने मरने के लिए तैयार होना है, तो वो क्यों, यहाँ पर हमने वो जो स्किल्स दिखाए थे उसके तीर के साथ एरो के साथ वो जो एनिमल्स को मारती है, तो वो उसका स्किल भी हमने दिखाया था, वहाँ पर फीड भी कर रही थी वो अपनी फैमिली को आल्सो, मतलब यही तो बात होती है कि फिल्म जब आप लिखते हैं तो करेक्टर के बारे में आपको पता, आपने उसकी स्किल देखी कि इसकी मैं स्किल ये डालूंगा कि ये अगर अभी शिकार कर सकती है, तो वो बेसिकली वो हम उसको रेडी कर रहे हैं फॉर द बिगर वर्ल्ड जो वो देखने आ रही है, उसमें इसका मतलब है कि अब वो ये जब चॉइस लेगी कि मैं अपनी सिस्टर की जगह जो है गेम में चली जाऊं, तो क्यों, वो उसके पास एक स्लिम सा चांस है क्या कि यार हंगर गेम्स में जो है मैं जब जाऊंगी उस अरीना के अंदर तो मारने मराने का खेल होगा, तो उसमें वो थोड़ी बहुत स्किल्ड है, तो दिस इज़ अ वेरी स्लिम चांस, तो शी हैज़ अ स्लिम चांस, यानी कि यही आपका ऑडियंस देख रहा होगा, यार ये तो भी बच्ची है 13-14 सालों की और ये तो सिर्फ एक दो जानवर मारती, वहाँ पर ह्यूमन बींग्स ने एक दूसरे को मारना है, तो सिचुएशन आगे बड़ी आ रही है, लेकिन क्या है कि शी हैज़ अ स्लिम चांस, लेकिन ये स्लिम चांस वो क्यों लेती है, क्योंकि ये बेटर है उससे कि वो अपनी
बहन को स्टेट में मरता देखे जिसके पास कोई स्किल ही मौजूद नहीं है। कई दफ़ा होता है कि व्यूअर्स के हम डिलेमा में इतनी सख्त ऑफर्स नहीं कर रहे होते करेक्टर को, यानी कि वो चॉइस उसके पास जो होती है किस किस्म की आ सकती है, कि एक चॉइस है कि उसको यानी कि टेरिबल सिचुएशन आपको देंगे लेकिन येट फेमिलियर होगी, यानी कि जैसे कैटनिस के सिचुएशन में देखें तो वो उसके पास थोड़ी स्किल है तो वो फेमिलियर है थोड़ी बहुत, ठीक है ना, ठीक है। या अगर आप उसके लिए किसी और करेक्टर को उसमें डालते हैं वो तो उसके लिए तो इतनी डिफिकल्ट होती है कि वो तो यानी फेमिलियर ही नहीं, वो इतना मज़ेदार सिचुएशन नहीं बनती, हार्ड वो सिचुएशन होती है लेकिन वो एक बिल्कुल होपफुल नहीं होती। तो ये यानी कि हार्ड है सिचुएशन लेकिन येट फेमिलियर टू द करेक्टर। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन में हैरी पॉटर का डिलेमा क्या है कि क्या आपने ये डूजलिस के साथ ही रहना है, ये जो हॉरिड फैमिली है जिसके साथ वो मतलब जिसको उन्होंने रखा हुआ है, और वो आपको पता ना अगर वो फिल्म देखी हो तो वो जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके नीचे उसको छोटी सी जगह बना के दी हुई है, दरवाज़ा लगाया हुआ है, इधर तुम्हें सोना है इधर रहना है, तो आया तुमने इस फैमिली के साथ रहना है या मैजिक स्कूल में जाना है। अच्छा, ये ऑब्वियसली हैरी के लिए डूडलिस के साथ रहना इतना प्लेजेंट नहीं है, वो बेहतर है कि विजिट स्कूल में चले जाए, लेकिन विजिट स्कूल में एक नया वर्ल्ड उसका अंदर था, मिस्टीरियस वर्ल्ड है वो, उसके लिए एक अनफेमिलियर वर्ल्ड है, लेकिन अनफेमिलियर वर्ल्ड तो है लेकिन ये है कि वो बेटर चॉइस उसको लग रही है इस वक्त, वो ही विल गोइंग टू टेक दिस चॉइस। इसलिए यहाँ पर जब राइटर ने उसको एक सिचुएशन दिया तो ही ऑब्वियसली गो फॉर अ बेटर चॉइस करेक्टर हिमसेल्फ, तो यहाँ पर वो विजिट स्कूल को ही जो है वो चूज़ करेगा। तो व्यूअर्स, हमने आपके दिल में आ रहा होगा शायद ये फिर कोई इनसाइडिंग इंसिडेंट है, हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि जब आप लाइफ लाइन से एक्शन लाइन में चले जाते हैं तो अगर आप देखें तो यहाँ पर डिलेमा तकरीबन उसी चीज़ का ही नाम आपको नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, इसमें अगेन मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कुछ इस डिलेमा को इनसाइडिंग इंसिडेंट कहते हैं, ये अब आपको थोड़ा सा इसमें देखना है जो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग इनसाइडिंग इंसिडेंट की हुई, जिस तरह हमने पहले इनसाइडिंग इंसिडेंट को देखा था उसको अब इस डिलेमा का अब देखें। मुझे थोड़ा सा डिलेमा में थोड़ा सा फ़र्क महसूस होता है अगेंस्ट द इनसाइडिंग इंसिडेंट। कैसे? इनसाइडिंग इंसिडेंट का जो इवेंट होता है वो होल स्टोरी को जो है वो एक्शन लाइन में ले जाता है, मोशन में ले जाता है, हालांकि ज़रूरी नहीं कि उसमें करेक्टर की पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्व हो। इसका मतलब है कि हो सकता है वो स्टोरी से पहले भी चल रहा हो लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता, स्टोरी के जब शुरू हम दिखाते हैं उसके बाद ही इनसाइडिंग इंसिडेंट आता है, लेकिन सम टाइम इट हैपन्स, ठीक है ना, कि वो बेसिकली इनसाइडिंग इंसिडेंट पहले का ही चल रहा हो। लेकिन डिलेमा में करेक्टर को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अपना एक्टिव पार्ट अदा करे जो कि स्टोरी उसके इर्द गिर्द अनफोल्ड हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर ये चॉइस आपकी है कि आप इसको थोड़ा सा देख लें, कि मैं बिल्कुल रद्द नहीं कर रहा कि क्या डिलेमा ही आपका इंसाइटिंग इंसिडेंट है, क्योंकि इसमें उसने चॉइस लेनी है, लेकिन अगेन आपको देखना है। हमने इंसाइटिंग इंसिडेंट को पहले भी देख लिया, पढ़ लिया, समटाइम कुछ चीज़ें आपके लिए सिंपल होती हैं जब अपना स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, आपको इंसाइटिंग इंसिडेंट की समझ में आ गई होती है, और समटाइम्स आप थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको अपनी थोड़ी चॉइस करनी है। लेकिन मैं इसको 99.9% डिलेमा को इंसाइटिंग इंसिडेंट नहीं कहूँगा, ओके, लेकिन इसको यहाँ पर इस इवेंट को बताना ज़रूरी था कि ये बेसिकली वो चॉइस है कि जिसने अब एक्टिवली पार्ट लेना है बिटवीन द टू सिचुएशंस। तो व्यूअर्स, हैरी पॉटर की सीरीज़ में अगर आप देखें तो मोस्टली क्या है कि उसमें बेसिकली वो सरवाइव करता हमारा यंग हीरो किसके अटैक को, वो किसके अटैक को, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के अटैक को सरवाइव करता है, एंड दिस इज़ द इनसाइटिंग इंसिडेंट। क्यों? अगर उस दिन हैरी पॉटर मर जाता तो क्या हैरी पॉटर की सीरीज़ होती? इट मीन्स कि इस इवेंट ने बेसिकली सारी सीरीज़ को चलाया। तो ये एक इनसाइडिंग इंसिडेंट है क्या, कि जिस दिन वोल्डेमॉर्ट ने उस पर अटैक किया, ये वो इनसाइडिंग इंसिडेंट है। और डिलेमा का मैं आपको बता दूंगा, वो तो एक चॉइस है बिटवीन द टू सिचुएशंस ही हैज़ टू टेक। और यही बात है कि उसको बड़ा विजिलेंट रहना है अपनी चॉइस को लेते वक्त। तो टाइटैनिक में फिर इनसाइडिंग इंसिडेंट अगर आप देखें तो क्या है कि वो जैक जो
टिकट जीत जाता है वो जो जुए में टाइटैनिक की शिप की, लेकिन ना अगर वो टिकट ही ना जीतता तो स्टोरी ना होती। रोज की लाइफ तो चल रही थी, अगर जैक ना भी उस शिप में आता, रोज की लाइफ तो थी, शिप ने भी जाना था, सब ने चलना था, लेकिन उन दोनों की जो ये जो क्रॉस मोहब्बत थी, एक वो अमीर लड़की थी, ये गरीब बंदा था, और सिर्फ शायद दो चार पेपर लेकर ही शिप पे आया था, और वो टिकट लेकर जो उसने विन की थी, दैट सेट द स्टोरी इन द मोशन। तो दैट विल बी द इनसाइटिंग इंसिडेंट फॉर द टाइटैनिक आई सपोज। मैं अगेन कहा कि बहुत सारे थॉट्स हैं इंसाइटिंग इंसिडेंट के, बहुत सारे लोग क्लियर नहीं होते और मिक्स हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा रफली आइडिया बता दिया कि हाउ दिस इंसाइटिंग इंसिडेंट अनफोल्ड्स। व्यूअर्स, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन में हमने देखा था कि उसकी डिस्टर्बेंस थी हैरी पॉटर की, वो जब लेटर्स आने शुरू हुए थे वो डिस्टर्बेंस थी, और एक आया दो आया फिर वो हज़ारों करोड़, बड़ा खूबसूरत वो सीन से कि जिसमें वो आउल्स जो थे वो आपके लेटर्स फेंकते जाते हैं, और फिर उसको एक चॉइस लेनी थी। जब वो हैगर्ड आया था उससे बताया कि तुम एक विजिट हो और तुम्हारे पेरेंट्स ये थे, तो यू मस्ट गो टू द विजिट स्कूल, और हम आपको वो इनविटेशन था बेसिकली। तो ये उसने चॉइस ली, वहाँ पर उसको डिलेमा था कि आया वो अब डूडलिस के साथ ही रहना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर वो जिस दुनिया में रह रहा था वो बड़ी मुश्किल थी, यहाँ पर वो विजिट स्कूल में जाना जाएगा, तो ही चूज फॉर द विजिट स्कूल। ये वो डिलेमा उसको पेश किया वहाँ पर गया था। अब ये जो डिलेमा है इसकी भी कुछ स्टेजेस हैं बेसिकली, अगर देखा जाए कि जस्ट आफ्टर द डिस्टर्बेंस करेक्टर को पहले डिलेमा प्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द डिलेमा। तो ये जो प्रेजेंटेशन है कि बेसिकली प्रेजेंट किया जा रहा है दो सिचुएशंस को उसके सामने, कि वो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे, यानी कि अगर हम हैरी पॉटर के केस में देखें, हैरी पॉटर फिलोसोफर स्टोन में, तो वो थोड़ा पॉजिटिव है, यानी कि वहाँ पर एक विजिट स्कूल है जो एक एडवेंचर है, लेकिन अगर आप कैटनिस के केस में अंकल गेम में देखें तो वो नेगेटिव है, उसमें मौत है। तो दोनों किस्म के डिलेमास जो हैं वो, दोनों किस्म की सिचुएशंस जो होती हैं आप अपने उस लिहाज से दे सकते हैं, आपने पॉजिटिवली देनी है या आपने नेगेटिवली देनी है। अगर कुछ केसेस में क्रैटर तीसरी चांस भी ले लेता है, जैसे अगर आयरन मैन में आप देखें तो जब वो अफगानिस्तान में फंसा होता है और उसको वो कहते हैं कि आप हमें वो मिसाइल बना दो या आप मर जाओ, अभी इसके बाद दो चॉइस हैं, ठीक है ना। ऑफ कोर्स कि वो तीसरी चॉइस लेता है जिसमें वो भागता है, तो इस तरह की भी आ जाती हैं, यानी कि इस केस में अगर आप देखें तो वो बहुत ही यानी कि दोनों सिचुएशंस को मर जाओ या मिसाइल बना दो, वो टोनी के लिए बड़ी ही अनडिजायरेबल सिचुएशंस हैं। मर जाओ कोई भी मरना नहीं चाहेगा, मिसाइल बना दो, ना उसके पास वहाँ पर उस तरह की टेक्नोलॉजी है, ना वो मिसाइल बनाकर दे सकता है एक दूसरी कंट्री को एज एन इंडिविजुअल, कि जिससे वो दोबारा फाइट करें वो टेररिस्ट जो हैं, तो ये वो दोनों काम नहीं करता, तो उसको फिर तीसरी चॉइस लेनी पड़ती है जिसमें फिर वो भागता है। तो जो सिचुएशन जो चॉइस करेक्टर को व्यूज आपके डिलेमा में दी जा रही है वो सो इतनी रेडिकल है कि वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा न्यू रोल को। इस न्यू रोल में वो कुछ ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, वो अनफेमिलियर है कुछ केसेस में, और अगर वो कुछ फेमिलियर भी है तो वो बड़ा वीक फेमिलियर है, तो वहाँ पर उसको व्यूअर्स करेक्टर को अपना बेस्ट शो करना है। बेस्ट शो करेगा तो वो न्यू रोल, फिर वो बेस्ट शो करने की जो ताकत होगी जो फोर्स होगी उसको वो आगे लेकर चलेगी। तो इस केस में आप देखेंगे कि आपको बेस्ट वर्जन ऑफ योर करेक्टर दिखाना है, यानी उसने क्या अज्यूम किया, क्या अजम्पशन की, और फिर न्यू रोल में क्या वो मास्टरी अपनी शो करता है, ये वो बताएगा कि वो करेक्टर है क्या। दीज आर योर ट्रेट्स, यू हैव शोइंग योर ऑडियंस कि मेरा करेक्टर है कि, यहाँ पर आपके ट्रेट्स आ रहे हैं। और टोनी के केस में देखो तो अगर हमें ये पता था कि वो जो है बड़ा अच्छा मैन्युफैक्चरर है, बड़ा कुछ है, लेकिन वो हमें पता था, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली स्केप करता है, वो वहाँ पर जो है आंखों में धूल झोंक कर वो खुद को एक वो बना लेता है रोबोट टाइप सा, वो जो बॉडी उसकी बना लेता है, तो वहाँ पर आपको बेसिकली उसकी स्किल का पता लग रहा है। जहाँ वो थोड़े से रिसोर्सेस में वो लबासा वो बना कर तो वो वहाँ से स्केप करता है, तो ये टोनी के केस में था। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपने मास्टरी दिखानी है उस करेक्टर की, तो आपने बेस्ट वर्जन ऑफ द करेक्टर दिखाना है।
तो अगर वो तो व्यूअर्स जब करेक्टर के न्यू रोल को जो है वो अपनाता है नए वर्ल्ड में आने के लिए, उसको ये तो पता होता है उसके ऊपर स्किल, लेकिन अगर आप देखें तो उसकी वो जो स्किल्स होती हैं जिसकी बेस पर वो एक्सेप्ट करने जा रहा है, वो उस टाइम तो बड़ी आपको वीक नज़र आ रही होगी, लेकिन इन्हीं चीज़ों पर वो पला बड़ा है, इसी को वो जानता है। जिस तरह अगर आप देखें फिल्म टेकन में नियाम लीसन का अगर आप देखें तो उसके पास क्या था, वो जब कॉल करता है और उसे वो कहता है कि मैं तुम्हें हंट डाउन करूंगा, मारूंगा, क्यों कि ये वो अपनी पूरी ज़िंदगी करता रहा है लोगों को हंट डाउन करके, और वो पहुंच जाता है, यानी यहाँ पर उसकी बेटी अबडक्ट होती है, बड़ी मशहूर फिल्म है। तो और आप देखें तो वो उनको ये मतलब जो वार्न करता है कि आई विल कम टू यू एंड आई एम विल किल यू, क्यों कि वो अपनी स्किल्स को जानता है कि वो जो उसने पूरी ज़िंदगी सीखी के हैं, तो इस लिहाज से वो है कि वो आपको ये चीज़ थोड़ी सी बतानी है। बिल्कुल हवा में अगर आप करेक्टर को रख के एक ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं जिसके बारे में आप उसके वो करेक्टर है ही नहीं उस चीज़ का, तो बड़ी अनइवन सी सिचुएशन हो जाएगी, बड़ी वो इतनी आप लोगों को बात इतनी समझ में नहीं आएगी। हमारे इंडियन में फिल्मों में चलता है सब कुछ, ये भी कर ले वो भी कर ले, और अगर आप साउथ की फिल्में देखें वो तो मतलब सब कुछ ही उनको पता होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करेक्टर्स नहीं हमें चाहिए, हमें ऐसे करेक्टर्स नहीं चाहिए व्यूअर्स, वी आर राइटिंग स्टोरीज, ठीक है ना। तो व्यूअर्स आपको ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बहुत सारी फिल्म में अगर आप देखें जो न्यू रोल करेक्टर को ऑफर किया जाता है व्यूअर्स, वो अलाइन करता है हारमोनसली विद द इनिशियल डिज़ायर। देखिए ना कि अगर आप टाइटैनिक में देखें तो जैक क्या ऑफर करता है रोज़ को, इंडिपेंडेंस, और क्या इंडिपेंडेंस जो है वो रोज़ का इनिशियल डिज़ायर नहीं है, वो मंगनी छोड़वाना चाहती है, वो आज़ाद होना चाहती है, तो वो अलाइन कर रहा है। और अगर आप देखें अवतार में जेम्स कैमरून की फिल्म में, अगर आप जेक सल्ली का इनिशियल डिज़ायर था टू फाइट समथिंग, मतलब उसका वो डिज़ायर था, तो और वो डिज़ायर अलाइन कब कर गया, जब वो उसको ऑफर की गई कि तुम जाके नवी जो कि दूसरा प्लानट है वो जो कि लोग हैं उन उनको जाके स्पाई करो, तो ये वो चीज़ उसे अलाइन करती है। फिर समटाइम्स अगर आप देखें तो जब करेक्टर को आप एक चॉइस देंगे, न्यू रोल देंगे, तो वो लॉजिकल उसका लॉजिकल रिजल्ट ये होगा, यार ठीक है आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, जिसको आप कहते हैं रिफ्यूजल ऑफ द न्यू रोल, लेकिन ये होता नहीं है, यानी कि मोस्ट ऑफ द फिल्म में ये नहीं होता, लेकिन जिनमें अगर होता है तो उसमें फिर क्या है कि उसमें आप करेक्टर के फियर्स बता रहे हैं कि उसके जो फियर्स हैं, उसका जो डर है, उसका जो खौफ है, अननोन फियर है, वो उसको रिस्ट्रेन कर रहा है टू एक्सेप्ट द न्यू रोल। तो आपने फिर अपनी स्टोरी को उस चीज़ पर बिल्ड करना है, फिर आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि आपने उसके फियर्स के साथ कैसे खेलना है। तो यू हैव बीन प्रेजेंटेड अ न्यू रोल एंड यू हैव रिफ्यूज्ड इट टू टेक इट, ये भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, लेकिन जो हम सिक्स एक्ट्स पढ़ रहे हैं उसको अगर आपने बिल्कुल सही तरह जो है अगर इम्प्लीमेंट करना है तो देन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट रोल, ठीक है ना। और वैसे भी जब आप एक्सेप्ट करते हैं किसी नए रोल को तो आप एक स्ट्रॉन्गर करेक्टर दिखा रहे होते हैं, ठीक है ना। कैटनिस ने अगर एक्सेप्ट किया तो अपनी मौत को एक्सेप्ट करे तो शी इज़ अ ब्रेव गर्ल, तो ये उसकी ट्रेट आ गई। लेकिन अगर आप रिफ्यूजल अगर लेकिन आप रिफ्यूजल टू दी न्यू रोल पे देखेंगे तो अब इसको थोड़ा देखते हैं कि फिर इस केस में क्या, अगर वो सिर्फ खौफ है क्या है, माइंड बी हैज़ अदर ड्यूटीज़ टू फुलफिल, यानी कि वो न्यू रोल इसलिए नहीं ले रहा कि ही हैज़ अदर ड्यूटीज़ टू फुलफिल, लेकिन इससे ज़्यादा इससे जो क्लोज रिलेटेड या रिफ्यूजल टू द न्यू रोल के करीब तीन क्या होता है, इंटरफेरेंस टू द न्यू रोल, ये आपको कई जगहों पे मिलेगा। इसमें बेसिकली उसकी जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये किसी दूसरे बंदे या किसी और ग्रुप की वजह से आपको रोका जा रहा है कि यार ये ना करो। अगर आप हैरी पॉटर में भी देखो तो उसके अंकल जो थे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि वो स्कूल में जाए, जबकि हैरी चाहता था कि वो जाए, इंटरफेरेंस आई उसके अंदर, उस जगह पर आपने इंटरफेरेंस को देखा। तो इस तरह आप अपने करेक्टर में रिफ्यूज़ल के बजाय अगर आप इंटरफेरेंस टू द न्यू रोल कर लें तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बन सकती है। तो व्यूअर्स अगर आप समझते हैं कि करेक्टर के पास
यहाँ पर कोई अच्छी रीज़न नहीं है कि वो न्यू रोल को एक्सेप्ट करे। तो इस केस में फिर जिसको हम कहते हैं नच ऑफ द फेट, यानी कि किस्मत की तरफ से कोई बलावा आ जाता है या किस्मत की तरफ से कोई ऐसा सिलसिला आ जाता है कि वो आपको फिर एक्सेप्ट करनी पड़ जाती है, होती वो आउटसाइड ही है किसी की तरफ से। तो द गेम ऑफ थ्रोन्स में व्यूअर्स देखें कि एट द डिलेमा जो किंग रॉबर्ट नेट को ऑफर करता है फॉर द हैंड ऑफ द किंग, तो वो उसको डिक्लाइन करता है बिकॉज के वो समझता है कि विंटरफेल में उसके लिए रहना वो ज़्यादा ही मुनासिब है। लेकिन बाद में जब उसकी सिस्टर उसको लेटर लिखती है कि जो क्वीन के क्वीन के पास मर्डर्ड किंग का हैंड है, तो फिर उसको ये मतलब पुश किया जाता है कि वो जाके इन्वेस्टिगेट करे, तो फिर वहाँ पर वो रोल एक्सेप्ट कर लेता है। तो व्यूअर्स जब डिलेमा पे वो एक्सेप्ट कर लेता है अपने न्यू रोल को, जिसको हम एक्सेप्टिंग द न्यू रोल कहते हैं, तो वे बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, जो कि ये कोई आसान बात नहीं कि अब नए वर्ल्ड में जाके एक नई दुनिया में जाके अपने आप को जोखों में अपने आप को मुसीबत में डाल लें। लेकिन जब वो एक्सेप्ट करता है न्यू रोल को व्यूअर्स, तो वो करेक्टर का अपना एक क्रूशल डिसीजन होता है, तो ये वो डिसीजन है कि जिसके बाद बेसिकली वो अपनी उस दुनिया को छोड़ेगा जिसके बारे में लोग उसको जानते थे, टू अ न्यू वर्ल्ड वेयर हिज स्किल्स आर लिमिटेड, जहाँ पर वो अननोन वर्ल्ड है और उसके लिए उसकी नई मुसीबतें। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपने ज़रूर याद रखना है कि ये यहाँ पर करेक्टर एक्टिवली अपने रोल को अदा कर रहा है, ही इज़ नॉट इन द क्लचेज ऑफ द राइटर। इवन अगर फिल्म ग्रेविटी में देख लें, जिसको मैंने कहा एक सिचुएशनल फिल्म है जिसमें करेक्टर का सिचुएशन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है ना, उसमें भी अगर आप देखें डॉक्टर स्टोन जो होती है वो कुछ स्टेप्स लेती है, यानी कि वो सिचुएशन की सिवेरिटी को एक्नॉलेज करके उस पर एक्ट करती है। जब वो हाइपरवेंटिलेट हो जाती है, सांस उसका उखड़ा होता है, वो स्पेस में स्पिन कर रही होती है, तो वो कॉन्टैक्ट करती है एक दो लोगों को और तरीके से उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करती है। तो इन ऐसी केसेस में भी अगर आप देखें तो करैक्टर जो है ऐसी सिचुएशन फिल्म में भी करैक्टर कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को खुद हाथ में लेता है। कुछ केसेस में करैक्टर सेकंड थॉट है जिसको आप कहते हैं, जिसमें आप कहते हैं रिफ्यूजल टू द न्यू रोल या इंटरफेरेंस ऑफ द न्यू रोल है। जैसे कि अगर जेक सल्ली की पोजीशन देखें, अगर आप अवतार में, तो जैसे ही उसको ये ऑफर होती है कि वो नेवी को जाके स्पाइक करे, तो वो सेकंड थॉट ही नहीं लेता, जस्ट एक्सेप्ट। तो ये भी इंतज़ार नहीं करता कि उसकी टांगें जो हैं फिक्स की जाएं। तो इन तरीकों से आपने व्यूअर्स ये आपको जो डिलेमा पे आपको जो सिचुएशंस दी जा रही होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कई सीन्स देख रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे, अगर आप अभी कोई स्टोरी लिख रहे हैं या आपके जहन में स्टोरी है, तो आपको डिलेमा की जगह पर आपको कुछ सीन्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे इसको मैं क्या सिचुएशन इसकी ट्रेड के मुताबिक ऑफर करूँ। ये चीज़ें लिंक्ड हैं व्यूअर्स, ठीक है ना। कल फेसबुक पर किसी की पोस्ट थी और आप झूठ का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं लोगों का कि उसने कहा जी उसने 8 सालों में 4 लाख से ऊपर शॉर्ट स्टोरीज लिखी। यानी मैंने उसके जवाब में लिखा कि यार तुम एक अच्छी लिख लो, ठीक है ना, तो वही काफ़ी होगी। उसकी वजह यह है कि शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे, लेकिन तमाम हिट प्लेज हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में जितने भी प्लेज लिखे हैं वो हिट हैं। 4 लाख, यानी कि वो मैंने जब कैलकुलेट किया तो वो बनता है 133 पेजेस पर डे, और वो भी 4 लाख मुख्तलिफ स्टोरियाँ। तो ऐसे नहीं होता व्यूअर्स, झूठ के भी कुछ पाँव होने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं आपने लिखना। तो फिर क्यों टाइम लगता है? क्योंकि स्क्रिप्ट्स हैं, वो स्टोरीज नहीं हैं। स्टोरीज हों तो चले, फिर भी 1% चाहे लिखी नहीं हो, ये स्क्रिप्ट्स हैं। तो स्क्रिप्ट्स में आपने बहुत कुछ देखना है, विजुअल चीज़ों को देखना है, आपने ऑडिटरी चीज़ों को देखना है, आपने लिंक्ड करना है ट्रेड्स को, चूँकि वो चीज़ आप दिखा रहे हैं। स्टोरीज में आपने दिखाना नहीं होता। अच्छा व्यूअर, समटाइम्स इसमें चीज़ और भी बतानी थी, समटाइम्स अगर आप रिफ्यूज़ल करते हैं इनिशियली डिलेमा पे, तो कुछ थोड़ी देर के बाद, कुछ अरसे के बाद जब रिकन्सिडर करता है करेक्टर उस जो ऑफ़र दी गई है, जो प्रेजेंट किया जा रहा होता है, तो वो बाद में उसको कंसिडर करके
दोबारा चॉइस ले लेता है। ऐसे भी कुछ फिल्म्स आपको मिल सकती हैं। तो व्यूअर्स ये ध्यान में ज़रूर रखें, आपने अपने ऑडियंस को साथ लेकर चल रहा होता तो डिलेमा पे जो भी आपको सिचुएशन ऑफर की जा रही होती है, नोइंग द फैक्ट ही इज़ नॉट फेमिलियर टू द न्यू वर्ल्ड, जो उसको न्यू रोल अगर वो एक्सेप्ट करने जा रहा है, तो ये ऑडियंस को भी पता है कि यार ये बंदा क्या करेगा, मतलब ये K2 पर या एवरेस्ट पर चढ़ने चला गया यार, ये इसने सिर्फ शहर में दो जो हैं वो बस क्लिफ्स हैं उसको पर गया, यार ये क्या करेगा, ये मतलब इज़ नॉट अकस्टम टू इट। चूँकि उस जगह पर, उस सिचुएशन पर, डिलेमा पे उसको पूरे न्यू वर्ल्ड की कोई चीज़ नहीं दिखाई जा रही होती, कोई उसको कोई मतलब वो मैजिक बॉल नहीं उसमें दिखाया जा रहा होता यार ये तुम देखो यूँ मसले आएंगे, नहीं। और इतना ही ऑडियंस को पता है जितना कि वो जानता है, ठीक है ना। अब माउंट एवरेस्ट उसने जो है वो उस पर जो है उसको सर करना है, उसको पार करना है, तो अब वो उसके पास स्किल क्या है कि शहर में दो क्लिफ्स पर वो गया, वो जो छोटे छोटे क्लिफ्स हैं उसको चढ़ा हुआ है। तो ये एक तो एक बात आपने देखनी है, और यही है कि इसी पे तो ऑडियंस आपके साथ जुड़ेगी, सिंपथाइज करेगी। क्यों सिंपथाइज करेगी? एक ऐसा वर्ल्ड है जिसके बारे में वो नहीं जानता, वो फेमिलियर नहीं है, एक स्किल है उसके पास जिसके बिना पर शायद वो कह रहा है, शायद वो स्किल भी पूरी नहीं है। तो ये मतलब आपने अपने करेक्टर को बहुत, साउथ इंडियन वाले करेक्टर की बात नहीं कर रहा, आपकी स्टोरीज के करेक्टर को आपने बड़ा रिसीविंग एंड पे दिखाना है, ये जेम्स बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना व्यूअर्स। यूनिक स्टोरीज, ठीक है ना, करेक्टर से लव करें, उसको आप सिचुएशन में डाल दिया है, उसको वो कहते हैं ना, मैंने अगर आप मतलब लंबे सफ़र पर जा रहे हो, अकेले जा रहे हैं, तो अपने सामान में आप जो है वो कुछ चीज़ें खाने पीने के रखते हैं कुछ, अगर वो कम हो, करेक्टर को पता होता है मेरे पास कितनी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मिसाल तौर पर रास्ते में उसको कोई मसला आता है, उसको 4 दिन कहीं और रुकना पड़ जाता, तो वो देखेगा यार लोगों को पता होगा यार इसके पास तो खाने की चीज़ नहीं है और ये तो जंगल बियाबान है, तो वट ही विल गोइंग टू डू, दैट इज़ वॉट वेयर हिज स्किल्स कम। यहाँ पर आप हौसला दिखाएंगे यार, वो उनके स्कूल में मुकाबले होते जिसमें वो जो है 6-6 घंटे जो है बुखार आ जाता था, तो आपने उस स्किल की बिना पर उसको वो सिचुएशन डाल दी, तो इस तरीके से आपने अपने करेक्टर्स। तो व्यूअर्स इसके बाद क्या है कि ये अब वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो अपने इम्परफेक्ट सिचुएशन जो कि एक्ट 1 की थी उधर से निकल के जब वो एक्ट 2 में जा रहा है, तो एक अनफेमिलियर वर्ल्ड में जा रहा है। तो व्यूअर्स एक्ट 1 की समरी फिर क्या बनी? द इम्परफेक्ट सिचुएशन, द इनिशियल गोल, ऑप्रेसिव ऑपोजिशन, द डिस्टर्बेंस, द डिलेमा एंड द न्यू रोल। ये वो 6 पिलर बन गए एक्ट 1 के। तो इसको हम ये कह सकते हैं, करेक्टर इन एन इम्परफेक्ट सिचुएशन फेसिस एन ऑप्रेसिव ऑपोजिशन एज ही परस्यूज द इनिशियल गोल, एक्ट की भी वो आ रही है डेफिनेशन इसके अंदर, बट वेन देर इज अ डिस्टर्बेंस टू हिज नॉर्मल रूटीन ही फेसिस ए डिलेमा रिगार्डिंग हिज सिचुएशन एंड मस्ट अज्यूम अ न्यू रोल। तो ये 6 चीज़ें एक्ट 1 के अंदर आ गई। तो यहाँ मेरा एक्ट 1 कंप्लीट होता है। व्यूअर्स आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्ट 1 के जो मैंने समराइज किया है व्यूअर्स, इसको हम अपनी फिल्म की एग्जांपल पे पूरा बैठाएंगे। शायद वो थोड़ा छोटा लेक्चर हो, लेकिन इसको ज़रा इस तरह बैठाएंगे, आप उतनी देर तक आप देख सकते हैं, जब हमने 2-3 फिल्म की एग्जाम्पल्स अब तक देखते आ रहे हैं उन पर डालते हैं, मैं 2-3 फिल्मों पर इसको फिट करूँगा और आपको बताऊँगा कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द हम नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।